ईयर से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, और जब मुझे साइन किया गया तब एकदम लास्ट में, मतलब 10 दिन के अंदर साइन किया और एकदम शूटिंग चालू हो गया। लेकिन मैं वो टाइम पे थोड़ा सा, मतलब जब कैमरे पे देखा तो मुझे वो बराबर नहीं लग रहा था, मैं बड़ा दिख रहा हूँ। तो वहाँ पे बोला, साकार को बोला कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे, तो उसने 10 से 12 किलो वेट वहाँ पे मैंने कम किया, और उसके बाद में वो शूट चालू हो गया। क्योंकि कैमरे में सबको मालूम है कि जो अभी है उससे बड़ा दिखता है, तो उसके लिए वो कम किया। तो वहाँ से फिर आगे बहुत मज़ा आया। शूटिंग जो है वो आउट ऑफ इंडिया बहुत जगह पे हुआ है, ओमान में हुआ है, अजरबैजान में हुआ है, राजस्थान, गोवा, हर जगह पे हुआ है। और वहाँ पे बहुत मज़ा आया सभी के साथ हमें काम करते हुए, टाइम स्पेंड करते हैं। सभी को मालूम है मैं वर्किंग हूँ एज अ ऑफिसर, तो दिन भर ऑफिस रहता था, पकड़ के रखो, रात में शूट होता था। और लास्ट बीच में कुछ 2-3 महीने के लिए मैंने छुट्टी भी निकाली हुई थी ऑफिशियली, तो आप लोगों ने गवर्नमेंट को एक मतलब लेटर दे के हमने बताया भी था, और वहाँ से हम लोगों ने छुट्टी भी ली थी। और वो छुट्टी मिलने के बाद उसमें जो मेजर जो शूट था वो वहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था। मतलब मेरे दिमाग में पहले ही सुहास सर थे, जब भी स्क्रिप्ट लिखी गई तो आई वॉज 101% श्योर कि ये सुहास सर ही होने चाहिए। और मैंने सुहास सर को अप्रोच किया ये फिल्म के बारे में, और सुहास सर वॉज वेरी काइंड। ही सेड कि चलो ठीक है करते हैं, बट एक बॉडी बिल्डर, एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर को फिल्म में कास्ट करना इज अ चैलेंज इन द वे, क्योंकि फिजिकली चैलेंज हो जाता है। तो जैसे सुहास सर ने कहा कि नहीं, मैं सुहास दादा बोलता, सुहास दादा ने जो कहा कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं थोड़ा नो वेट लूज कर लेता हूँ, उस हिसाब से बाद में फिल्म शुरू करते। पर एक बार जैसे उन्होंने एक बार कमिटमेंट दे दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते, वो तो 100% है। तो उस हिसाब से जॉब मैनेज करके आज वो बड़े पोजिशन पे है गवर्नमेंट में, वो मैनेज करके शूटिंग अच्छे से उन्होंने कॉपरेट की और कम्प्लीट की। और थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना सपोर्ट किया। और बस सर, हमारे देश में क्या हो रहा है कि ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो रही, सो ड्रग्स ये टॉपिक ये बेस रख के हम लोग ने फिल्म डिजाइन किया, जहाँ पे एक IPS ऑफिसर वो ड्रग्स के कार्टेल के खिलाफ ये जंग जो है, जो बगावत है वो कर देता है, वो राजवीर सर कर रहा है, मतलब राजवीर कर रहा है। सुहास सर का नाम फिल्म में राजवीर है, तो राजवीर जो है बगावत कर देता है एब्सोल्युटली अगेंस्ट द ड्रग कार्टेल ऑफ द नेशन। तो वो कैसे जाता है, क्या करता है, दैट इज द होल स्टोरी ऑफ राजवीर। कोई पुलिस ऑफिसर से इंस्पायर है इनका किरदार, अगर कुछ शेयर करें आप उसके बारे में। IPS ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, अभी रेफरेंसिंग हम लोग ने बहुत सारी सर को दी थी, पर ही इज वन ऑफ अ काइंड। मतलब उनकी जब आप फिल्म में एक्टिंग देखोगे ना, तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि यार ये इससे मिलता है या उससे मिलता है, इनकी अलग एक स्टाइल है जो फिल्म में आपको दिखाई देगी। सुभाष भाई, आप क्या कहना चाहेंगे आपके किरदार के बारे में? राजवीर किस तरह का पुलिस ऑफिसर है, अगर उस बारे में कुछ बताया? और आज टीजर लॉन्च हो चुका है, क्या फीलिंग है टीजर? अभी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है, साकार सर ने बोला कि ड्रग्स के ऊपर है, तो यंग जनरेशन में ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, मैसेज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जाने वाला है और कितना बुरा है। तो एक कॉमन मैन जब ड्रग्स के चक्कर में कैसे अटक जाता है, और उसको बाहर निकालने के लिए क्या क्या दिक्कतें आती है, और वो दिक्कतें से बाहर निकलने के लिए वो कॉमन मैन कहाँ तक पहुँच सकता है, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस मूवी में दिखाया गया है। और ये स्टोरी सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। और इसमें जो अभी आपने पूछा कि एक्टिंग मतलब किससे इंस्पायर होके, तो मैं जब टीम के साथ बैठता था हर किसी के साथ, क्योंकि मैं इस फिल्म में न्यू, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो साकार सर इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुम्हें किसी के कॉपी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एक अलग स्टाइल है, वो कुछ बता देते वो तरीके से हम करते थे, और एकदम वो जबरदस्त हो जाता था। इस तरीके से हमारा ये शूट हुआ है हर जगह पे। मुझे याद है हम लोग ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आई, अजरबैजान में थे, और मतलब लाइफ में इतनी ठंडी मुझे कभी नहीं लगी। मैं ओपन शर्ट घूमता रहता था बहुत, हर जगह पे, मतलब US से लेके वर्ल्ड में बहुत जगह पे घूमा हूँ। लेकिन जब शूट के लिए गए तो वहाँ पे इतनी हालत खराब हो गई, लेकिन साकार सर और उनके पूरे टीम ने पीछे हटा नहीं, पूरा का पूरा शूट वहाँ पे क्लियर कर लिया। ठंडी इतनी थी कि वहाँ पे खड़े रहने को नहीं हो रहा था,
और वहां पे अपनी हीरोइन भी वहां पे ऐसी बैठती रही कि वहां पे और वो चैलेंजिंग था वहां पे, लेकिन मजा आया आपको जब फिल्म में देखेंगे तो आपको वहां पे बहुत मजा आएगा। और बाकी अभी आगे भी बहुत सारे प्लान्स है साकार सर के, वो आपको बताएंगे। पूरे टीम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और मजा आया, एंजॉय किया मैंने। मैं जब मूवी फिल्म देखता था थिएटर में बैठ के निकल जाता था, लेकिन जब एक्चुअल में इसमें काम करने का मुझे मौका मिला तो मुझे पता चला कि इसमें कितनी दिक्कतें आती है, कितना स्ट्रगल होता है। मतलब वो डायलॉग्स और बाकी सब चीजें, हर एक चीज, मतलब छोटी छोटी चीजें वो कॉमन मैन कभी सोच भी नहीं सकता है, वो सब डायरेक्टर की पूरी टीम देखती रहती है। वो सब चीजें मुझे बहुत अच्छी तरीके से मुझे देखने को मिली, सीखने को मिली, और आने वाले टाइम में सभी का अच्छा सपोर्ट रहा तो और बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। बॉलीवुड में हमने बहुत सारे कॉप्स को देखा है, दबंग हो, सिंघम हो, राजवीर किस तरह का कॉप होगा मुझे पहले ही 10-12 किलो वेट कम करने का मतलब टाइम बहुत कम था और वेट कम करना था, तो मैंने वो वेट तो फटाक से कम कर लिया। मतलब हमारा ड्रेस दादा था, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब मुझे ड्रेस पहनाया और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद अगर वही ड्रेस पहने का, सर आपका ये तो कम हो गया, मतलब सेट पे सभी शॉक हो गए कि अरे इतना कैसे कर लो। तो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर हूँ तो मैंने वो कर दिया है, 10-12 किलो वेट कम किया और वो स्क्रीन में एक्चुअली बैठ गया और अच्छा दिखने लगा, तभी वो शूट चालू हुआ। सुभाष, आईपीएस का आपने यूनिफॉर्म पहना है, आपको बहुत बड़ा यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन आपके साथ इसमें रिश्वत कितना है? इसमें देने का ट्राई किया हुआ है, लेकिन वो ऑफिसर बहुत ही मतलब स्ट्रांग है और उसका एक टारगेट फिक्स है, वो हर एक चीज को मतलब वहां पे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सभी को उन्होंने आउट ऑफ बॉर्डर कर दिया और वहां पे आगे निकल गए, इस तरीके से वो स्टोरी है। ड्रग्स और एनसीबी की स्टोरी है, ठीक है। एनसीबी बीच में हाल ही में बहुत सारा चीज हुआ था, ड्रग्स से रिलेटेड अपने देश में बहुत सारी चीज हुई थी। तो गाइटोंडे नामक विलन ये फिल्म में है, तो गौरव इज प्लेइंग द विलन, गौरव प्लीज वेलकम। तो ये प्ले कर रहे हैं उनका रोल, तो आप बताइए कि कैसा, आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे कैरेक्टर ही बहुत अच्छा मिला। एक करप्ट ऑफिसर का कैरेक्टर है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है खुद में और वो उसको मानता नहीं है कि वो करप्ट है, उसको लग रहा है वो जो कर रहा है वो सही है, लेकिन एंड में जो करप्ट लोगों के साथ होता है वही वो उसके साथ। एंड जो हमारे जो एक्शन सीन्स है सुहास सर और मेरे, वो बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। मैम आप बताइए अपने किरदार के बारे में और कैसा एक्सपीरियंस रहा? ऑलरेडी सुहास सर ने कहा कि ठंडी में भी जो आप लोगों ने शूट किया है, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस माई डेब्यू फिल्म, पहली फिल्म है मेरी, और पूरी टीम मतलब सबको बहुत सारा प्यार, मुझे बहुत प्यार मिला, एक फैमिली की तरह मुझे बिल्कुल ट्रीट किया गया। सो फर्स्ट टाइम जब विमल ने अप्रोच किया मुझे फिल्म के लिए, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मेरे करेक्टर का नाम है लीना गाइटोंडे। तो लीना को सब पता है, शी इज़ वेरी स्मार्ट, और बाकी आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सस्पेंस एलिमेंट यू ना होना चाहिए। एंड इट वॉज लवली शूटिंग, मतलब जहाँ जहाँ हमने शूट किया बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, इट वॉज ग्रेट। साकार, मतलब साकार सर से मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना, मतलब हर एक चीज़ सॉर्टेड है, पता है सारी चीज़ें, ही नोज एवरी थिंग, कहाँ कैसे कब क्या होना है सब कुछ, मतलब हमें पता है कि हाँ साकार है तो सब हो जाएगा, तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड जब विमल मुझसे मिले थे, जब मैं गई उनके पास, स्क्रिप्ट मैंने, स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड कुछ अलग प्ले करने को था लीना, तो उन्होंने मुझे देखा एंड ही वाज लाइक शी इज़ माय लीना, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि उन्होंने मुझसे ऐसे बोला। तो मैंने कैरेक्टर पढ़ा कि लीना ऐसे चलती होगी, लीना ऐसे बात करती होगी, लीना ऐसी दिखती होगी, तो वहाँ काफ़ी स्टडी किया और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ये कैरेक्टर प्ले करने में, जो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। आप लोग देखेंगे तो लीना का कैरेक्टर इज़ लाइक, आप
आप प्यार करो के लिए। सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा साकार सर के साथ? साकार इज वेरी टैलेंटेड, उनको पता है कि उनको अपने एक्टर से क्या चाहिए एग्जैक्टली एंड कैसे काम निकालना है वो भी उनको पता है। मतलब अगर एक्टर फुल मूड में नहीं है या सही डिलीवर नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट कैसे करना है और काम कैसे निकालना है परफेक्शन से, वो भी उनको अच्छे से आता है। और कोई सीन अगर वो उसी वक्त सेट पे भी लिख ले तो सीन भी इतना परफेक्ट जाता है कि आप मतलब जो लोग इतने टाइम तक प्लान करके भी नहीं बना सकते। So he is very natural on the set and what time. Thank you so much and all that. Thank you. Yes. Okay, sir. सबसे पहले तो teaser हमने already देख लिया है और बहुत ज़्यादा excited है और ये भी जानने के लिए excited है कि फिल्म का music कैसा होगा। आपने जो है title track का है थोड़ा सा बताइए किस तरह का song होगा और क्या कुछ कौन से situation में आए। मेरे लिए अगेन फिर से एक टाइटल सॉन्ग मिला है तो मुझे टाइटल ही मिलता है गाने के लिए, तो शायद जो एनर्जी मैं लगातार देता रहा इस फिल्म के साथ भी मेरी वही एनर्जी जा रही है। और इस गाने का भी नाम आया तूफान, क्योंकि जी चैप्टर टू के लिए तूफान गाया था मैंने और इस फिल्म के लिए फिर आया तूफान आया। सो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी जुड़ा हूँ आप सभी लोगों से, पूरी टीम से, लेकिन सभी लोगों ने जैसा बोला कि एकदम फैमिली फील आया और टीजर देख के मुझे इतना मज़ा आया है कि मैं शायद 3 महीने बाद से वर्कआउट शुरू करूँगा, 3 महीने बाद, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है तो उसके लिए वेट कर रहा हूँ और मैं खुद भी फिटनेस को लेके बहुत अवेयर रहता हूँ। वरना इस भागम भाग में अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप आगे काम नहीं कर सकते। सो फिल्म बहुत ही अच्छी है, वाइब आ रहा है, मुझे किसी से लगता है आपका फाइट नहीं होता है, आपसे आपका फाइट है। और इस फिल्म का जो वाइब आ रहा है वो यही कह रहा है कि अपना काम कर जाएगा, आप एज अ प्रोड्यूसर भी आ जाओगे, आप एज अ एक्टर भी आ जाओगे और हम एज अ सिंगर फिर से एक बार आएंगे। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग, दो लाइनें गुनगुना दे सर। याद ही नहीं है क्योंकि अभी परसों ही गाया है मैंने और गाने को खराब नहीं करना है, जितनी मूड में वो गाना है वो सुनेंगे तो मजा आएगा। मुझे लग रहा है फिर यही सस्पेंस गणपति जमा हाउस, तो पहले तो गणपति बप्पा उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है और वो किसी एक स्टेट के देवता नहीं है, मुझे लगता है बिना उनके कोई काम ही नहीं शुरू हो सकता है। सो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन के भोग लगे संत करे सेवा, गणपति बप्पा। राजवीर मेरी फर्स्ट मूवी है एंड आई एम प्लेइंग द नेगेटिव लीड इन द मूवी एंड ये मेरी फर्स्ट मूवी एज अ प्रोड्यूसर भी है एंड आई थिंक मूवी बहुत अच्छी बनी है बिकॉज द टीम इज वेरी गुड, द डायरेक्टर इज वेरी टैलेंटेड एंड हमारा जो हीरो है सुहास खामकर वो भी बहुत टैलेंटेड है। So I feel movie बहुत अच्छी लग रही है and I think it's going to become a really big hit. So I wish the team all the best and I hope this movie is liked by everyone and all the best to everyone. आपके किरदार के बारे में जल्द से बताएं, किस तरह किरदार है, मतलब negative है तो मेरा negative lead है actually, तो ये officer है but corrupt officer है, तो मतलब इसके सब शेड्स है, लाइक कभी उसको अच्छा बनना है तो अच्छा बन जाता है, कभी उसको बुरा बनना है तो बुरा बन जाता है, तो मिक्स कैरेक्टर है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है मेरा, सो आई एम रियली हैप्पी विद इट। राजवीर का जब प्रोजेक्ट मेरे पास आया था तो मुझे स्टार्टिंग में ही ये सुपर हिट लगा, मुझे लगा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो की जा सकती है और इसमें काफ़ी
पॉजिटिव चीज़ें हैं। डायरेक्टर से भी मैं मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इनके बारे में सुनकर, इन्होंने जो किया है वो सब मैंने जाना समझा और उसके बाद मैंने ओके किया। और इस फिल्म में मैं अपने बेटे गौरव को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और नेक्स्ट फिल्म ही विल बी एज ए हीरो। इसमें इनका नेगेटिव करेक्टर है बट वो बहुत सुपरहिट करेक्टर है, उसमें भी जान है, उसमें भी मोहब्बत है, प्यार है, सब कुछ है। और दूसरी फिल्म आने वाली इन्हीं डायरेक्टर के साथ में करने वाला हूँ जिसमें ये एज ए हीरो इंट्रोड्यूस होंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? शूटिंग कहाँ पे हुआ है इसका? शूटिंग मस्कट में और अजरबैजान, थाईलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड, गोवा, कई जगह हुआ है और बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है। सॉन्ग इसमें एक ही है, बहुत प्यारा सॉन्ग है जिसका कली मैंने देखा और उसके वर्डिंग बहुत अच्छे हैं। मुझे एक ही लाइन याद है और सबके जबान पे चढ़ जाएगी, तूफान 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 आया तूफान आया। ब्रजेश 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 सर, इसमें एक्ट्रेस बताएंगे? एक्ट्रेस बताओ। एक्ट्रेस का नाम है प्राची अवस्थी, न्यू एक्ट्रेस। सुहास के हाथ तो अभी तक मुझे फील हो रहे क्योंकि उसके हाथ सही में बहुत भारी है, लेकिन बहुत मजा आया एंड ही इज वेरी हम्बल, बहुत अच्छा इंसान है और वो स्क्रीन पे भी आपको दिखेगी उसकी परफॉर्मेंस एंड उसका जो एक्शन है वो बहुत अच्छे से किया है उसने, तो आपको डेफिनेटली हमारे एक्शन सीन बहुत पसंद आए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन राजीव, राजवीर का ट्रेलर टीजर लॉन्च हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? और एक छोटी सी झलक आपकी भी देखने मिली, थोड़ा सा अगर बताएं किरदार के बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो ये मेरी पहली मूवी है जिसमें मैंने काम किया है एंड मुझे काफी ज्यादा मजा आया। और पहली बात तो प्रोडक्शन हाउस से मैंने काफी जगहों पे इस साल मैंने काम किया है, बट प्रोडक्शन हाउस का मैं काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो मुझे ये दिया कि फ्रीडम दिया कि इन शूट्स में हो या फिर टाइमिंग्स में हो, तो मुझे वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड ट्रेलर तो अभी आएगा, टीजर देख के मुझे मजा आ गया। किरदार के बारे में अगर थोड़ा सा बताया, किस तरह का किरदार है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सुहास सर के साथ काम करना? सुहास सर के साथ तो काम करके मतलब उनको तो मैं 2010 से देख रहा हूँ, उनकी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी मैंने बहुत क्लोजली फॉलो की है, तो मैं हमेशा शॉर्ट्स के बीच में पूछते रहता था क्या करूँ, मतलब मुझे भी थोड़ा फिजिक बिल्ड करना है, तो काफी ज्यादा चिल है सर और काफी फन था। साकर सर भी काफी अच्छे हैं, मतलब उन्होंने मुझे काफी ज्यादा फ्रीडम दी है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें किस वे में एक्ट करना है, तुम्हें क्या कैरेक्टर पकड़ना है, ये तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।